Assalamualaikum, my dear students. I am Barkat Ali Maher, Assistant Professor of Physics from Government Degree College, Tull. So, आपको पता होगा कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ सिंध की तरफ से आगाज हो चुका है, जिसमें एक क्लास में हमने पढ़ाया था आपको कि फिजिक्स क्या होती है. तो आज हम पढ़ेंगे कि इस्लामिक पीरियड. जी हाँ, हमने पहले सबक में पढ़ा था कि हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स को हमने पांच अदवार में दो तकसीम किया है. तो पहले दौर के बारे में पढ़ा था जिसको हमने एंशिएंट पीरियड माना था. तो आज हम दूसरे दौर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम ग्लोरियस मुस्लिम इरा भी कहते हैं या मुस्लिम्स पीरियड भी कहते हैं, जो कि 700 से लेकर 1500 ईस्वी सदी तक का ज़माना है. तो इसमें आप ये समझेंगे कि इस्लाम और साइंस में इस्लाम ने किस तरह हमें साइंस की तरफ तवज्जो दिलाई और मुसलमान साइंसदान पैदा हुए और उन्होंने साइंस के इल्म को अपने उरूज तक पहुंचाया. जी हाँ, तो लेकिन ये सारी इंस्पिरेशन और मोटिवेशन किसी और किताब में से उन्होंने नहीं ली. तो हम कहते हैं, हम ये हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि मुस्लिम्स एक्चुअली इंस्पायर्ड फ्रॉम कुरानिक वर्सेस एंड टीचिंग्स ऑफ हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम. जैसा कि आपको पता है कि हमारे कुरान शरीफ में, कुरान मजीद में जो पहली रिवेलेशन वही है, जो पहला लफ्ज है वो क्या है, वो है इकरा. जी हाँ, इकरा मीन्स रीड. तो उसमें कहा गया है कि इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, यानी इंसान को तवज्जो देने का के लिए बोला गया है. उनसे इंसान से कहा गया है कि हम मेरी तख्लीक, जो इंसान की तख्लीक है, इस पर गौर कीजिए. जी हाँ, इंसान की तख्लीक पर गौर करने से हमें बायोलॉजी का इल्म मिलता है. फिर कायनात, ज़मीन और आसमान और सूरज और चांद के बनने में हमें उनकी नेचर यानी फिजिक्स का इल्म आना चाहिए. तो और उनमें तब्दीलियाँ आनी शुरू हो जाएं तो हम केमिस्ट्री की बात करते हैं. तो इट मींस हमें कुरान शरीफ ने चीज़ों में तफक्कुर और तदब्बुर करना सिखाया, जिसको हम कहते हैं कि इस्लाम टॉट अस अबाउट द रीजनिंग एंड ऑब्जर्वेशन. जी हाँ, रीजनिंग और ऑब्जर्वेशन जो कि साइंस के बहुत बुनियादी उसूल हैं, टर्म्स हैं, यानी कि हमें साइंस की तरफ तवज्जो दिलाई गई है. तो हम देखते हैं कि आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ सूराज का जिक्र किया गया है. बहुत सारी सूराज में साइंस के मुतालिक आपको आयात मिलेगी, लेकिन फॉर एग्जांपल के तौर पर इन तीन सूराज की कुछ आयात का जिक्र आपकी किताब में मिलता है. मैं चाहूँगा कि आप इसको रीड ज़रूर कर लीजिएगा. तो इसको पढ़ने से आपको पता चलेगा कि इस्लाम और कुरान शरीफ और अल्लाह ताला ने हमें किस तरह की निशानियां बताएं कि इन चीज़ों पर गौर करने से आप मेरी तख्लीक को समझ सकेंगे. जैसा कि मैं कुछ मुख्तसरन आपसे आपको बताऊं कि सूरह नूह में खुदा फरमाते हैं, डू यू नॉट सी हाउ गॉड मेड सेवन हेवेंस वन अबव द अदर and he placed the moon as a light and sun as a lamp. जी हाँ, अगर इस सूरा की इस आयत में पे गौर करें तो खुदा हमसे कह रहे हैं कि हमने चांद को बनाया as a light. Light means कोई भी source of light हो सकता है. जैसे कि एक mirror पर आप light टॉर्च की रोशनी गिराते हैं तो वो टकरा कर वापस आ जाती है, तो आपको वो चीज़ चमकती हुई महसूस होती है. तो हम अब जानते हैं कि वाकई जो मून है वो नॉन ल्यूमिनस बॉडी है, लेकिन वो लाइट को फकत रेफ्रेक्ट करता है तो हमें वो चमकता हुआ नज़र आता है. लेकिन सन ऐसे नहीं है. सन जो हमारा सोलर सिस्टम के सेंटर में है, ये सूरज जो है इसमें से अपनी रोशनी पैदा होती है. इसको हम साइंस में कहते हैं कि सूरज एक ल्यूमिनस बॉडी है और मून हमारी अर्थ या ज़मीन की तरह एक नॉन ल्यूमिनस बॉडी है. तो ये फ़र्क कुरान शरीफ ने सूरह नूह में ये बात फरमाई और हमने सीखी.
सूरह अल इमरान में इस तरह की कुछ और आयात का जिक्र है कि श्योरली इन द मेकिंग ऑफ हेवेंस एंड द अर्थ देयर आर द साइन एंड द अल्टरनेशंस ऑफ नाइट एंड डे देयर आर द साइंस फॉर द पीपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि इस रात और दिन के होने में और इन ज़मीनों और आसमानों के बनाने में खुदा ने कुछ निशानियां रखी हैं, लेकिन वो निशानियां वो लोग समझ सकते हैं हु यूज देयर थॉट्स। जी हाँ, इंसान अपना जहन इस्तेमाल करे तो किसी भी चीज़ के नेचर को समझ सकता है। खुदा ने हमको ये समझाया है। और तीसरी सूरा का भी मुख्तसरन बात करें, सूरह अल जैसिया का जिक्र है। सूरह अल जैसिया की कुछ दो आयात का जिक्र है, 12वीं और 13वीं आयात का जिक्र है, जिसमें खुदा ने कहा है कि गॉड इज़ ही हु हैज़ ऑर्डर द ओशंस फॉर यू दैट शिप्स मे सेल ओवर देयर, यानी खुदा ने पानी को स्टैटिक बनाया है समंदरों में कि जिस तरह आपके शिप्स उसमें से सेल हो सकें, यानी कि हाइड्रोस्टेटस की बात की गई है, यानी कि पानी की प्रॉपर्टीज को समझने से हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ पानी में डूब सकती है, कौन सी चीज़ पानी पर तैर सकती है। तो इन चीज़ों पर सोचने का मतलब है कि मुसलमान साइंसदानों को एक इंस्पिरेशन मिली, एक इंसेंटिव मिला, एक मोटिवेशन मिली। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जी हाँ जो ग्रीक पीरियड के नेचुरल फिलोसोफर्स थे उनकी जो किताबें थीं उनको अरेबिक में ट्रांसलेट किया, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रांसलेट करने वाले थे याकूब बिन इसहाक अल किंदी। जी हाँ, इसको हम मानते हैं फर्स्ट अरब फिलोसोफर, जिन्होंने पहले यूनानी किताबों की ट्रांसलेशन तर्जमा अरेबिक लैंग्वेज में करवाना या करना शुरू किया। जी हाँ, तो इस तरह यूनान का जो इल्म था वो भी मुसलमानों के पास आ गया, और फिर उन्होंने उससे आगे बढ़कर बहुत सारी दरियाफ्तें की, इतनी दरियाफ्तें की, इतना इल्म में वो आगे बढ़े कि पूरी दुनिया में मरकज़ बन गया कि मुसलमान के जो मदरसे हैं, मुसलमानों के वो मदारिस यूनिवर्सिटियों का दर्जा रखते थे, तो सारी दुनिया के लोग वहाँ से इल्म का नूर हासिल करते थे। जी हाँ, तो ये तो मुख्तसर एक तारुफ था, लेकिन आपका टॉपिक एक्चुअली ये है कि कंट्रीब्यूशन टू फिजिकल साइंस बाय द इस्लामिक वर्ल्ड। तो इस्लामिक वर्ल्ड की तरफ से फिजिकल साइंस में कौन सा कंट्रीब्यूशन किया गया है, तो इस कंट्रीब्यूशन को समझने के लिए हमें देखना होगा कि हु आर द फेमस मुस्लिम स्कॉलर्स, यानी कि कौन से मुसलमान साइंसदान हैं जिन्होंने अपने इल्म की वजह से बहुत सारी कंट्रीब्यूशंस की टुवार्ड्स द फिजिकल साइंस। जी हाँ, तो इसमें हमें अगर देखें तो कुछ फेमस मुस्लिम स्कॉलर्स का जिक्र यहाँ मिलता है आपकी टेक्स्ट बुक में, लेकिन फकत ये लोग नहीं हैं, और दूसरे हज़ारों मुसलमान साइंसदान हैं जिनके जिक्र से किताबें भरी पड़ी हैं। जी हाँ, तो देखिए कि सम फेमस मुस्लिम स्कॉलर्स कौन से हैं, तो कुछ का जिक्र आपकी किताब में दिया हुआ है, तो मेरे बच्चों उनका कुछ तारुफ आपको आना चाहिए, उनकी कुछ मोटी मोटी दरियाफ्तों या किताबों के नाम आपको आने चाहिए, तो इस तरह से आप इन सवालों के जवाब एग्ज़ाम में दे सकते हैं। जी हाँ, कम टू दिस पॉइंट, सम फेमस मुस्लिम स्कॉलर्स में से कौन से हम साइंसदानों का जिक्र करते हैं। जी हाँ, उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंस तो अल-बतनी है। अल-बतनी, जी हाँ, इसके ये कारनामे थे कि ही मेड कैलकुलेशंस अबाउट द सोलर सिस्टम। जी हाँ, उन्होंने हमें बताया कि सोलर सिस्टम किस तरह काम करता है। ये एक सोलर सिस्टम का मॉडल है जिसमें आप जानते हैं कि सूरज बीच में है, फिर एक ज़मीन घूमती है, फिर मरकरी है, फिर उसमें वीनस है, फिर अर्थ है, अर्थ के बाद फिर यहाँ पे हमें मार्स मिलता है, फिर दूसरे सयारे नज़र आते हैं। तो इसका मतलब है इस सोलर सिस्टम के बारे में अल-बतनी ने काफ़ी कैलकुलेशंस की और इसके बारे में हमें बहुत कुछ समझाया। और उन्होंने फकत सोलर सिस्टम ही नहीं, लेकिन सोलर एक्लिप्स और मून एक्लिप्स, जिसको हम ल्यूनर एक्लिप्स कहते हैं, इन चीज़ों के बारे में हमें बताया। तो ल्यूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स
किस तरह होते हैं, तो आपको कुछ पता होगा कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है और चांद जमीन के गिर्द घूमता है, तो ये सन है, ये अर्थ है, एंड दिस वन इज द मून। अगर मून को, जिसको हमने पहले पढ़ा, उसको अपनी रोशनी नहीं होती, वो नॉन ल्यूमिनस बॉडी है, वो फकत सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, तो हमें चांद चमकता हुआ नजर आता है। जी हाँ, तो सूरज और चांद इन सारी चीजों के रोटेट होने से, इन चीजों के घूमने की वजह से ये सोलर एक्लिप्स और ल्यूनर एक्लिप्स होते हैं, जिसको हम सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण कहते हैं। जी हाँ, अगर मून अर्थ और सन के बीच में आ जाए तो इस इलाके में लोगों को सूरज नजर नहीं आएगा, तो वो कहेंगे सोलर एक्लिप्स। अगर मून यहाँ पर हो और हम कह सकते हैं कि अर्थ बीच में आ जाए, किन चीजों के बीच में आ जाए, मून और सन के, तो सन की रोशनी आगे तो इस तरफ तो चली जाएगी लेकिन मून तक नहीं पहुंच पाएगी। जब चांद के सरफेस तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाएगी तो रिफ्लेक्ट भी नहीं होगी, तो चांद अपनी रोशनी खो देता है कुछ वक्त के लिए, और इसको हम कहते हैं चांद ग्रहण, और इसको हम कहते हैं ल्यूनर एक्लिप्स। जी हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग। इन चीज़ों को के बारे में हमें अलबतनी ने बताया कि ये सब कैसे होता है। तो सोलर एक्लिप्स, ल्यूनर एक्लिप्स और चेंजेस इन सीजन्स एंड अबाउट द सोलर सिस्टम, ये सारी चीज़ें हमें अलबतनी ने सिखाई। जी हाँ, थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, अल्खवारिज्मी की बात करते हैं। जब भी अल्खवारिज्मी की बात होती है तो आपके माइंड में अलजेब्रा आ जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, इन्होंने पहली किताब अलजेब्रा की लिखी थी, हिसाब, अलजेब्र और एक किताब वल मुकाबला, उसके को मिलाकर। हम कहते हैं कि अल्खवारिज्मी वाज द फाउंडर ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रा के वो फाउंडर थे, वो बानी थे। अलजेब्रा को उसने अपने उरूज तक पहुंचाया। अलजेब्रा की मदद से हमें बहुत सारी चीज़ों की कैलकुलेशन करने में मदद मिलती है, जो कि पहले नामुमकिन था। इस अल्खवारिज्मी ने एक दूसरी टर्म इंट्रोड्यूस की, जिसको हम कहते हैं लॉगरिथम। एक्चुअली वो अल्खवारिज्म टर्म थी, वो फिर चेंज होकर अल्गोरिथम पढ़ा जाने लगा, फिर लॉगरिथम पढ़ा जाने लगा, जिसको हम मुख्तसरन लॉग कहते हैं। जी हाँ, आपको पता होगा कि 1000 को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह लिखते हैं, तो हम कह सकते हैं कि लॉगरिथम ऑफ 1000 इज एक्चुअली 3, लेकिन बिकॉज 3 इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट नंबर। तो इसके बारे में आप पढ़ते हैं, इस्तेमाल करते हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में मोस्टली। सो ही वॉज अल्खवारिज्म who wrote books about the algebra, and he was the founder of algebra. He invented the term logarithm. जी हाँ, तो इसके बाद हम बात करते हैं उमर खयाम की। उमर खयाम वो मुस्लिम साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, इसको आप कह सकते हैं कि फेमस मैथमेटिशियन ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड है, यानी उससे भी ज़्यादा मैथमेटिशियन इसको माना जाता है। उमर खयाम, उसने मैथमेटिक्स में काफ़ी थ्योरम्स दिए जो अब तक किताबों में पढ़ाए जाते हैं, हमारे टेक्स्ट बुक्स में भी शामिल होते हैं, जो कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड किताबें हैं। उमर खयाम की बड़ी खूबी ये थी कि वो मैथमेटिशियन, रियाजीदान होने के साथ साथ एक बहुत बड़े शायर भी थे। जी हाँ, अंग्रेज फिलोसोफर बर्टन रसल ने इसके बारे में कहा था कि ही इज़ द फर्स्ट मैन नोन टू मी एज अ ग्रेट पोएट एज वेल एज ग्रेट मैथमेटिशियन। यानी दो चीज़ों में महारत रखने, वो भी शायरी और रियाजी, दोनों में महारत रखने वाला ऐसा बंदा मुझे कहीं और नजर नहीं आता, बर्टन रसल ने कहा था। इब्नुल हैथम, जी हाँ, इब्नुल हैथम, इब्नुल हैशम जिसको हम कहते हैं, अंग्रेज इब्नुल हैथम कहते हैं या समटाइम इब्नुल हैज़म भी लिखते हैं, तो इसके उनके क्या कारनामे हैं। अल हैथम, इन्होंने, इसको हम कहते हैं फेमस फिजिस्ट ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, क्योंकि इसने किताब लिखी थी किताबुल मनाजिर,
जी हाँ, किताबुल मनाजिर ऑप्टिक्स से रिलेटेड थी। ऑप्टिक्स का मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइट के मुतालिक थी, जिसमें इन्होंने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात की थी। तो वो आगे हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं। ऑप्टिक्स के दो चैप्टर्स आप फर्स्ट ईयर की क्लास में पढ़ते हैं, 9th चैप्टर एंड 10th चैप्टर। तो उसमें ये बातें सीखते हैं। इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारनामा ये भी आपको याद रखना चाहिए कि ही इन्वेंटेड द पिन होल कैमरा। जी हाँ, कैमरा की इजाद इनके नाम से मंसूब है। बाद में आप तो दूसरे किस्म की कैमरा देखते हैं विद द हेल्प ऑफ लेंस वाली या डिजिटल कैमरा, जिसकी वजह से आप मुझे देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन पहली कैमरा जिसको पिन होल कैमरा, एक बॉक्स के अंदर इस्तेमाल होल बनाने से लाइट डायफ्रेक्ट होकर आगे जाती है, फिर वो तस्वीर एक बनती है, ऐसा निज़ाम उन्होंने वजह किया था, जिसकी मदद से उस दौर में उन्होंने सोलर एक्लिप्स की एक तस्वीर खींची थी। ये उसके कारनामों में शामिल हैं। सो ही वॉज अवेयर ऑफ द नॉलेज ऑफ ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मीन साइंटिफिक स्टडी ऑफ द लाइट। यस, जी हाँ, ये थे अब्दुल इब्नुल हैथम। कम टू द नेक्स्ट वन, अल राजी। इसको हम गैलन ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड कहते हैं। कल हमने पढ़ा था कि हकीम जालिनुस, जिसको गैलन ऑफ ग्रीक कहा जाता है, तो वो बहुत बड़े फेमस फिजिशियन ऑफ द ग्रीक एंड रोमन वर्ल्ड थे। लेकिन मुसलमान साइंसदानों में जो हकीम जालिनुस के मुकाबले वाला या उससे भी बढ़कर अजमत रखने वाला, इल्म रखने वाला हकीम यानी फिजिशियन पैदा हुआ, तो ही वाज अल राजी। अल राजी ने 200 से ज़्यादा मोनोग्राफ्स लिखे, जिसमें से हाफ से ज़्यादा जो पर्टेन करते हैं, ताल्लुक रखते हैं वो रिसर्च पेपर, दे आर बिलोंगिंग टू मेडिसिन। तो इसको आप कह सकते हैं कि अल राजी बहुत बड़े हकीम थे। उनको जब बगदाद में एक हॉस्पिटल बनवाने के लिए सिलेक्ट किया गया, तो उनसे पूछा गया, तो उन्होंने ये किया कि बगदाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में उन्होंने गोश्त के टुकड़े रखे। जहाँ जिस जगह पर गोश्त का टुकड़ा बहुत देर के बाद गला यानी ख़राब हुआ, यानी बहुत देर के बाद ख़राब होने का मतलब है कि वहाँ उस जगह पर बैक्टीरिया, दूसरे जरासीम और वायरसेस का जो असर है, इंटेंसिटी वो है, वो बहुत कम है। तो उन्होंने उस दौर में वो जगह सिलेक्ट की थी जहाँ पर जिस वक्त ना बैक्टीरिया का तसव्वुर था, ना जर्म्स और वायरसेस के बारे में इंसान जानता था, इन अनदेखी चीज़ों के बारे में नहीं, लेकिन इसको एक एहसास था कि जहाँ चीज़ें देर से ख़राब होती हैं वो माहौल, वो इन्वायरमेंट, वो एटमॉस्फेयर वो साफ तरीन होता है, तो वो सेहत के लिए बेहतर है। जी हाँ, ही वाज अल राजी। तो अल राजी के बारे में आप ये याद रखेंगे कि ही वाज अ वेरी इम्पॉर्टेंट फिजिशियन ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। लेकिन उसके बाद हम जिक्र करते हैं अबू रेहान अल बैरूनी की। जी हाँ, अबू रेहान अल बैरूनी बहुत सारे मजामीन में महारत रखने वाले साइंटिस्ट थे। उन्होंने 200 से ज़्यादा किताबें मुख्तलिफ सब्जेक्ट से रिलेटेड लिखी हैं। तो इसको हम हिस्टोरियन भी कहते हैं, इसको हम एस्ट्रोनॉमर भी कहते हैं, केमिस्ट भी कहते हैं, फिजिशियन भी कहते हैं, जियोलॉजिस्ट भी कहते हैं, एस्ट्रोनॉमर भी कहते हैं, एस्ट्रोलॉजर भी कहते हैं। ये ऐसा बंदा था जो बहुत सारे उलूम में अपनी जहानत रखते थे और उन्होंने किताबें लिखी। लेकिन कौन सी उनकी मशहूर किताब का नाम आपको आना चाहिए जो कि आपके टेक्स्ट बुक में जिक्र है? दैट इज़ किताब अल कानून अल मसौदी। जी हाँ, किताब कानून अल मसौदी जो भी किताब है वो उसको हम मानते हैं इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एस्ट्रोनॉमी, यानी एस्ट्रोनॉमी में वो इंसाइक्लोपीडिया का दर्जा रखती थी उस दौर में भी, और आज भी उसकी भी अहमियत कम नहीं हुई। तो किताब अल कानून अल मसौदी का राइटर कौन है? अबू रेहान अल बैरूनी।
जी हाँ, अबू रेहान अल बैरूने ने इस बड़े सगीर का भी सफ़र किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था अपनी किताब किताबुल हिंद, जिसको अल बैरूनीज इंडिया हम ट्रांसलेट करके पढ़ते हैं। तो उस किताब में उन्होंने लिखा था कि जहाँ पर ये मौजूदा जहलम है, वहाँ के एक गांव के नज़दीक पहाड़ी पर उन्होंने रेडियस ऑफ अर्थ, सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ, डायमीटर ऑफ अर्थ के बारे में एक तरीका वाज़ह किया था, जिसकी मदद से उन्होंने कैलकुलेट किया था कंप्लीट सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ, यानी कि ज़मीन की जो गोलाई है वो कितनी है, जिसको आप सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ को इस तरह नापते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला 2πr, r इज व्हाट, r इज द रेडियस। तो रेडियस को कैलकुलेट करने की मदद से हम सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द अल बैरूनी वाज दैट वन, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम जिक्र करते हैं याकूब बिन इसहाक अल किंदी की। इसके बारे में मैंने आपको बताया कि ही वाज द फर्स्ट अरब फिलोसोफर। इसको म्यूजिकल नोट्स के बारे में, साउंड्स के बारे में काफ़ी कुछ इल्म था, और जैसा कि आप आगे चलकर पढ़ते हैं कि हर साउंड की अपनी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, इस चीज़ों के बारे में उस दौर में इन्होंने कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और दूसरी चीज़ों के बारे में काफ़ी तजुर्बात किए थे और इसके बारे में उन्होंने इल्म दिया था। तो ये इब्न इसहाक अल किंदी थे। इब्न सीना को हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं मुस्लिम साइंसदानों में, इसका बहुत बड़ा मकाम है। इब्न सीना, जिसको अंग्रेज एविसीना भी कहते हैं, इसको हम ग्रेटेस्ट फिलोसोफर ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड कह सकते हैं, एज वेल एज द ग्रेटेस्ट फिजिशियन। जी हाँ, ये फिजिशियन भी बहुत बड़े थे और फिलोसोफर भी बहुत बड़े थे। अगर फिजिशियन की बात करें, इसकी मेडिकल मेडिसिन से रिलेटेड खिदमात की बात करें, तो इन्होंने एक बहुत बड़ी किताब लिखी जो कि कई अदवार तक यूरोप में एज अ टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिन पढ़ाई जाती थी। जी हाँ, उसको मुख्तसरन तो अल कानून कहते हैं, उसका नाम है किताब कानून फिल तिब। अल कानून फिल तिब जो किताब है वो असल में किताब है रिलेटेड टू मेडिसिन। और इसकी दूसरी मशहूर किताब है अल शिफा। अल शिफा मेडिसिन की किताब नहीं, लेकिन ये फिलासफी की किताब है। जी हाँ, बहुत बड़ी किताब है। इसमें उन्होंने, इसको हम इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलासफी भी मानते हैं। इस किताब में उन्होंने मेटाफिजिक्स के काफ़ी उसूलों के बारे में हमें समझाया है। कल हमने बात की थी कि मेटाफिजिक्स मीन्स दैट स्टडी विच इज़ नॉट रिलेटेड टू दिस मटीरियल वर्ल्ड।